नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फरीदाबाद जिले के पारता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 3 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 3 स्टूडेंट्स में कोरोना की पुष्टि होने के बाद स्कूल को एहतियातन बंद कर दिया गया। खास बात यह भी है कि स्कूल में पाए गए कोरोना के 3 पॉजिटिव केसों में 11वीं कक्षा का एक छात्र कोरोना वैक्सीन भी ले चुका है। बता दें कि इस गाँव में दूसरी लहर के दौरान 40 कोरोना केस सामने आए थे और अब संभावित तीसरी लहर के चलते हो रही कोरोना की सैंपलिंग में स्कूल के 3 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद शिक्षा विभाग को लेकर के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। गांव पारता की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल रमेश कुमार ने बताया कि संक्रमित पाए गए स्टूडेंट्स में कोरोना का कोई लक्षण नहीं था, लेकिन सरकार के आदेश के अनुसार स्कूल में कोरोना जाँच के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपलिंग की गई थी और इस सैंपलिंग में रिपोर्ट में स्कूल के 3 विद्यार्थी जिनमें 8वीं कक्षा की 2 छात्राएं भी शामिल हैं और 11वीं की कक्षा की 1 छात्र भी शामिल है। कोरोना में संक्रमित पाए गए स्कूल में 3 स्टूडेंट्स के कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद उच्च अधिकारियों के आदेश पर स्कूल को 3 दिन के लिए एहतियातन बंद कर दिया गया है, जबकि स्कूल स्टाफ को नियमित रूप से स्कूल आने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्कूल स्टाफ में के भी सैंपल लिए गए हैं जिसकी रिपोर्ट अभी तक आनी बाकी है। छात्रों के परिवार व उनसे संपर्क में आने वाले लोगों की सैंपलिंग स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। पल पल फरीदाबाद से राजेश फांबू की खास रिपोर्ट। रमेश कुमार जी, आप वाइस प्रिंसिपल हैं यहाँ स्कूल पारता में। हाँ जी, ये बताएं कि आपके स्कूल में 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हाँ जी, और एक की उम्र 18 अबव है। हाँ, जो जिसके एक वैक्सीन भी लग चुकी, उसके एक वैक्सीन लग चुकी जी। लेकिन मामला कैसे पॉजिटिव आए? वैसे उन बच्चों में किसी में कोई लक्षण तो नहीं थे। ये सरकार के आदेशानुसार क्रमानुसार अपने स्कूल की बारी आई थी, उसमें डॉक्टर की एक टीम आई थी, उन्होंने सभी बच्चों का कोरोना टेस्ट किया, जिनमें से 3 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। उनमें से एक बच्चा 18 साल से ऊपर है और 2 बच्चे छोटे हैं। जिस क्लास में पढ़ते थे? जो 18 साल से ऊपर है वो 11वीं क्लास का स्टूडेंट है और 2 बच्चे 8वीं के स्टूडेंट हैं। क्या छुट्टी कर दी गई है, क्या है? हाँ जी, अधिकारियों के आदेश अनुसार जब बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो स्कूल में 3 दिन की छात्रों की छुट्टी की गई है और स्टाफ नियमित रूप से यहाँ आएगा। तो क्या स्टाफ की जाँच भी हुई है, बाकी बच्चों की जाँच भी हुई है? बच्चे छुट्टी होने के बाद अगले दिन स्टाफ की भी जाँच की गई है और उनके सैंपल अभी अम्बाला भेजे गए हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई।